स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन 1997 में नीट एग्जाम में पूछा गया था मोशन इन स्ट्रेटलाइन चैप्टर से। इफ ए कार एट रेस्ट एक्सेलरेट्स इनफॉर्मली टू ए स्पीड ऑफ 144 किलोमीटर पर आवर इन 20 सेकेंड्स, इट कवर्स ए डिस्टेंस ऑफ। सो स्टूडेंट्स, हमको डिस्टेंस निकालना है। इसका कार का स्पीड क्या है? रेस्ट में था तो इनिशियल स्पीड क्या है स्टूडेंट्स, या इनिशियल वेलोसिटी इसका जीरो था, और वी की फाइनल वेलोसिटी क्या है स्टूडेंट, 144 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है स्टूडेंट, इसका मतलब है इसको हम कन्वर्ट करेंगे एसआई यूनिट में। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको मालूम है एसआई यूनिट नहीं है किलोमीटर और आवर। एसआई यूनिट डिस्टेंस का कितना होता है, वो मीटर होता है, और टाइम का कितना है स्टूडेंट, सेकंड्स होता है। तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे, तो ये 144 इनटू 1 किलोमीटर अपॉन 1 आवर है। ठीक है स्टूडेंट, तो 144 इनटू 1 किलोमीटर कितना मीटर होता है आपको पता है, 1000 मीटर। हम लिखते हैं यहाँ पे 1 आवर है 3600 सेकंड्स। इस तरह हमने इसको कन्वर्ट कर दिया एसआई यूनिट में। तो स्टूडेंट, ये 00 यहाँ का 00 कट गया, ये है 36 से ये कट गया 4 में, तो ये बन गया 40 मीटर पर सेकंड। दिस इज द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी द कार। ठीक है स्टूडेंट, तो आपको जो इक्वेशन ऑफ मोशन पता है v इक्वल टू u प्लस at है। यहाँ पे v दिया गया है, u दिया गया है, और क्या दिया गया है, t दिया गया है, टाइम दिया गया है। तो हम a निकाल सकते हैं, a क्या होगा, a का फॉर्मूला क्या होगा स्टूडेंट, v माइनस u बाय t होगा। तो v कितना है, 40 मीटर पर सेकंड है, और u कितना है स्टूडेंट, u तो 0 है, 0 मीटर पर सेकंड है, और टाइम कितना है, टाइम है 20 सेकंड्स। ओके स्टूडेंट, 20 सेकंड्स है। तो ये इसका एक्सीलरेशन कितना बन गया, 40 माइनस 0 इक्वल 40 बाय 20, सो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर बन गया स्टूडेंट। इसका एक्सीलरेशन हम यहाँ पे लिख लेते हैं, a इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब जो दूसरा जो हमारा है इक्वेशन ऑफ मोशन स्टूडेंट, उसको हम लिखते हैं यहाँ पे। इसका डिस्टेंस निकालने के लिए कौन सा इक्वेशन ऑफ मोशन हम यूज करते हैं स्टूडेंट्स, वो है बता सकते हैं आप, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, और u तो यहाँ पे 0 है, तो ये 0 इंटू t प्लस हाफ, ये कितना है स्टूडेंट, ये है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, हमने निकाला है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इंटू t कितना है, 20 सेकंड्स है, तो 20 सेकंड्स का स्क्वायर। तो स्टूडेंट ये क्या बन गया, ये 0 और प्लस ये हाफ और 2 कट गया, तो ये 1 बन गया, और ये 400 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये सेकंड स्क्वायर कट गया, 400 मीटर हो गया। तो ऑप्शन डी में दिया गया है स्टूडेंट 400 मीटर, तो ऑप्शन डी सही रहेगा इस क्वेश्चन के लिए।